किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के प्रदेश सरकार द्वारा पंजाब को जोड़ने वाले मार्ग बंद किए हुए हैं। ऐसे में वैकल्पिक मार्गों में गुजर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लोग गुजर रहे हैं। वहीं डवाली हिसार हाईवे को गांव खैरेका स्थित घग्गर नदी के पुल पर जिसे बंद किया हुआ है, ऐसे में हाईवे से गुजरने वाले वाहन माल वाला नेजरडेला कलां के पास से बीच से किसानों द्वारा बनाए गए वैकल्पिक पुल से गुजर रहे हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को 15 से 20 किलोमीटर का सफर ज़्यादा तय करना पड़ रहा है। रोड व पुल छोटे होने के कारण में इस वैकल्पिक मार्ग से गुजरने वाले लोगों के कारण समय भी अधिक लग रहा है। कई परेशानियों के चलते लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि मेन हाईवे को खोला जाए। दरअसल किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का आह्वान किया था, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने पंजाब की तरफ से आने वाले सभी मार्गों को बंद कर दिया था। इसी कड़ी में डबावली और हिसार जाने वाले हाईवे को भी गांव खैरेका के पास घग्गर नदी के पुल पर 12 फरवरी को ही अवरोधक लगा करके बंद कर दिया गया था। पुलिस की भी भारी संख्या में वहां तैनाती की गई। वहीं बड़े वाहन चालकों को रोड से होते हुए कई गांव से होकर गुजरना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर घग्गर नदी के पुल के ऊपर से गुजरना पड़ता है, जो कि एक छोटा मार्ग है और वैकल्पिक मार्ग भी है, जो कि गांव मल्लावाला और नेजरडेला का बीच बना हुआ है, जिसे कई गांव वालों ने और किसानों ने मिल करके करीबन 20 साल पहले बनाया था, जिसका निर्माण किसानों की बैलगाड़ियां और ट्रैक्टर गुजरने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस समय जोखिम इस बात का हो चुका है कि बड़े वाहन भी यहां से गुजर रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। आइए जानते हैं और पता करते हैं कि आसपास के लोगों का इस पर क्या कहना है। पल पल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ। ये जो खैरेका पुल के ऊपर जो किसान दिल्ली कूच को लेके बंद किया हुआ है रोड, तो ऐसी स्थिति में नेजरडेला और मल्लावाला के बीच में एक लोगों द्वारा बनाया गया पुल है, तो साधन आप देख रहे हैं लोग यहाँ से आ रहे हैं, ये 15 से 20 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं, साथ में रोड भी लिंक छोटा रोड है और पुल भी तंग है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने यहाँ पे परमानेंट ड्यूटी लगाई हुई है अपने वाहनों को आराम से गुजारने के लिए। तो ये क्रॉस करके आए हैं, इनसे पूछते हैं, भाई साहब आप कहाँ से आए हो? करमगढ़ से आए। क्या नाम है आपका? रोहतास। रोहतास। तो पुल बंद होने से क्या परेशानी है? पुल बंद होने से बहुत परेशानी है जी। पुल खुलना चाहिए? खुलना चाहिए जी। क्या डिमांड है जी आपकी? पुल खुलना चाहिए, बहुत परेशानी। जमींदार हो गया आम आदमी, आप बोले इतनी परेशान है कुछ ना, बहुत परेशान है। आगे आपने कहा सिरसा जाने? सिरसा जी, दवाई लेने जाने हैं, बहुत परेशान है। ऐसे कितने 30 किलोमीटर घूम के आए हैं जी। आप कहाँ से आए हैं? किराड़कोट से। किराड़कोट से कहाँ जाना है आपको? सिरसा ही जाना है। ये जो घग्गर नदी पे खैरेका में पुल बंद है, हाँ जी हाँ जी, जो रोड सरकार ने बंद कर रखा है, इसको लेके क्या परेशानी समझ रहे हैं आप? अभी जो बड़े बड़े साधन है जैसे ट्रैक्टर हो गया जी, ये इनको इधर से आना पड़ता है। ये पुल भी तो इतना बड़ा भी नहीं है, मजबूत भी नहीं है, दिक्कत हो गई इसकी है आपको लगता है? इस पे से गुजरना आप भी देख लो जी, ये रास्ता इतना बड़ा भी नहीं है, खड्डे भी हैं इस पे। ये आसपास के गांव के लोग बता रहे हैं कि जो ये पुल है ये सरकार द्वारा नहीं बनाया गया, लोगों द्वारा बनाया गया है, तो टेक्निकली तौर पे भी इतना हैवी नहीं है कि इसके ऊपर से बड़े वाहन गुजर सकें। ये वैसे ही एक गांव के लोगों को आर पार करने के लिए बनाया गया था, पर जब रोड बंद है मेन हाईवे, तो ऐसी स्थिति में इस पुल को यूज़ किया जा रहा है, जो कि खतरा भी है। आप भाई साहब किराड़कोट से हैं जी? किराड़कोट, बिल्कुल खतरा है जी, ये तो डेरे ने बनाया हुआ है पुल, अच्छा, वो सरकार का नहीं है, पर यहाँ से बड़े साधन गुजरते हैं, तो इसका जैसे बैठ सकता है ये पुल, वो वाला पुल खुलना चाहिए। हाँ जी, ठाकुर से हैं जी। कहाँ जाना है आपको? हमें सिरसा जाना है। तो ये जो मेन हाईवे बंद होने के कारण लोगों की परेशानी के, आपका क्या कहना है? बहुत ज़्यादा परेशानी है इससे, जे ही नहीं भी किसानों के लिए, लेकिन ये हर वर्ग के लिए, हर किसान मजदूर के लिए ये परेशानी का सबब बना हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशानी। और लिंक रोड है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, सरकार को ये रास्ता खोलना चाहिए। इतनी भीड़ गाँव के अंदर हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हमें। इससे गांव वालों को एक्सीडेंट का खतरा नहीं बना हुआ? बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा इतनी ट्रैफिक हो रही है कि बच्चे भी गली के अंदर बाहर नहीं निकल सकते, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। हर एक तरह का कोई भी साधन, इतने बड़े बड़े साधन निकल रहे हैं, रास्ते सड़कें टूट रही हैं, लिंक रोड है, लेकिन ये परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों को। सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में, रास्ता खोलना चाहिए। आप भाई साहब कहाँ से आए हैं? सिरसा उड्डा से, सेक्टर 20 से। और सेक्टर 20 से इधर से कहाँ से आ रहे हो आप? अब मैं बिजनेस स्कूल से आ रहा हूँ जी। अच्छा, तो ये मेन रोड बंद होने के कारण, हाँ जी हाँ जी, ये आपको गांव से होके और ये तंग पुल से गुजरना पड़ रहा है, इस परेशानी के बारे में क्या कहना आपका? परेशानी बहुत ज़्यादा है सर, एक तो बहन ले जाती थी उसको, बच्चे को उठा के वहाँ से, अब खुद को जाना पड़ता है 20 किलोमीटर। अच्छा, बैन बंद हो गई इस वजह से? हाँ, इस वजह से बैन बंद हो रही है, बहुत भारी परेशानी हो रही है। आपका शुभ नाम भाई साहब? बालीराम। बालीराम, मतलब आपका बच्चा वहाँ पढ़ता है? पोता 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 उधर उस साइड पढ़ता है, बिजनेस स्कूल में पढ़ता है, खेरका से आगे जो मेन रोड पे, डबल रोड पे। अच्छा अच्छा,
कितना घूम के आपको जाना पड़ता है इधर? यहाँ से मतलब वहाँ से तो पड़ता है 10 किलोमीटर, यहाँ से 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, मतलब एक घंटा करीब फालतू लग जाता है। जी हाँ जी हाँ जी ठीक। हाँ जी की नाम है तुम्हारा वीर जी? मेरा नाम जसपाल सिंह जी। जसपाल सिंह जी हाँ जी। ये जो खैरकिया वाला पुल जो मेन रोड बंद कर रखे सरकार ने, हाँ जी, उस तो बाद नजर ला बल्ला वाले बचाले पुल है, इतों की लोग गुजर रहे हैं वाहन चल के। हाँ जी हाँ जी। तुहाडे पिंड दे विच भी सारे साधन टपते हैं? हाँ जी हाँ जी। इस पिंड नूं की समस्या है इस नूं लैके? नहीं जी वेखो पिंड नूं समस्या तो कोई नहीं जी, क्यों जी साधन तो टपना ही है, जिधरों भी जाना है, मतलब पिंड वाले तो सबको मदद कर रहे हैं जी। अच्छा। जिन्ना हो सकता उस दिन उत्थे ट्रक फस गया सी किनू वाला, ते पिंड वाले ने आपदे ट्रैक्टर लिया के रस्ते दसदे ने पिंड वाले, पिंड वाले तो कोई समस्या नहीं गी, मतलब टप्पन लंघन च बच्चे वगैरह गलियां च खेड़ रहे ने, कोई यार स्कूली बच्चों नूं कोई होर? हाँ जी डर तो हैगा ही है जी, हुण मतलब पुल खोले सरकार ते मतलब असीं सुरखरू होईए भी, मतलब जवाक अंदर खेलण सब कुछ सैट होवे जी, मतलब सड़क का भी पूरा मतलब नुकसान होया जी, तुसीं वेख ही रहे हो जी। हाँ जी मतलब ऐ भी साधन टपदे ने, उस दिन पुल भी सुनन च आए सी भी थोड़ी जी मतलब हो गई है। हाँ जी आई है जी बस चलो। ये गांव वाले उनका ये कहना है जी कि एक तो गांव में से साधन दिन भर निकलते हैं रात भर, तो बच्चे बाहर नहीं आ सकते, गलियों में खेल नहीं सकते, तो घर में बच्चों को कैद करके रखना पड़ रहा है। दूसरा गांव के लोगों का कहना है कि गलियां और ये जो रोड हैं ज़्यादा साधन गुजरने से ये भी कंडम हो चुकी हैं, तो इनकी मांग है लोगों की कि मेन रास्ता खोला जाए ताकि यहाँ थोड़ा सा राहत मिले। खैरका पुल के ऊपर जो मेन हाईवे बंद किया हुआ है सरकार द्वारा, उसके बाद जो मल्लावाड़ा और नेजडेला कलां के बीच में पुल है, बान उधर से गुजर रहे हैं, तो गांव नेजडेला कलां में गलियों में से बान गुजर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहां पे आंगनबाड़ी केंद्र है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनके लिए खतरा बना हुआ है ये बान, तो आइए जानते हैं आंगनबाड़ी जो वर्कर हैं यहाँ पर इनसे इनका क्या कहना है। आपका शुभ नाम जी? रजिंदर कौर जी। यहाँ जो बांध गुजर रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र के आगे से, हाँ तो बच्चों की सुरक्षा को लेके आप क्या कहना चाहोगे? सर जी बहुत दिक्कत आ रही है, वाहन इतने हैं भी हम बच्चे को लेके आगे भी नहीं जा सकते, आज हफ्ता हो गया बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है जी। खुलना चाहिए दूसरा मेन मार्ग? हाँ जी खुलना चाहिए, जरूर खुलना चाहिए, समस्या का समाधान हो सके। हाँ जी समाधान हो, गाँव वालों को इतनी प्रॉब्लम आ रही है, गाँव वालों की बेचारों की वो नालियाँ डाल रखी हैं, जो पाइपें हैं वो टूट रही हैं, इतना ट्रैफिक जो वो हाईवे पे चलना चाहिए वो गांव के अंदर से जा रहा है, तो खुलना तो चाहिए, जरूर खुलना चाहिए वो।